CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में एंड उम्मीद है कि आप लोग और आपके परिवार घर पे सुरक्षित होंगे और आज प्रभु के वचन के लिए और टेस्टिमनी के लिए और इस एपिसोड के लिए तैयार। जी बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में और हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और आज है 10th अक्टूबर और 10th अक्टूबर पूरे विश्व भर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम भी इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे और इसे सेलिब्रेट करेंगे और इस साल का मेंटल हेल्थ डे थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। दिस शोज दैट दुनिया भर में लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो देर आर सम नंबर्स विच टॉक फॉर इटसेल्फ और स्टैटिस्टिक्स इंडिया में बोलते हैं कि 5 में से 1 व्यक्ति हैज गॉट अ डायग्नोस्ड क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इशू, मतलब वो उनके बारे में एक रिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम है जी। वो तो एक व्यक्ति है 5 में से, मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे उस नंबर्स में जो डायग्नोज नहीं होते मगर दे सफर थ्रू दैट। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से और इस पूरे महीने हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करें कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स डायग्नोज होती हैं और इसका समाधान कहाँ मिलता है और सही समाधान प्रभु के पास। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जागरूक हों और यही हमारी कोशिश है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा। दोस्तों आइए आगे बढ़ें और अब समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने और आज से पूरे हफ्ते भर सहारनपुर से जुड़ रही हैं हमारे साथ सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की कॉयर और अपने गीतों से ये हमें आशीषित करेंगे और साथ ही इस हफ्ते के सारे सॉन्ग्स सेंटिनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च ने डेडिकेट किए हैं to the people of Saranpur. Thank you so much and God bless you for this lovely gesture. Aur aaiye dosto, is samay hum sune ye geet, Tujhe pehchanna hai Prabhu, mere dil ki tamanna hai tu. To aaiye is geet ke dwara hum sab aashish paaye. Tujhe pehchanna hai Prabhu, mere dil ki तुझे पहचानना है प्रभु, मेरे दिल की तमन्ना है तू। तुझे पहचानना है प्रभु, मेरे दिल की तमन्ना है तू। तुझे पहचान
से भर दे मुझको तू प्रभु, तेरी करुणा से तेरी मोहब्बत से भर दे मुझको तू प्रभु, तुझे पहचानना है प्रभु मेरे दिल की तमन्ना है तू, कितना अच्छा गीत है दोस्तों। और कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत हम ऐसे गीतों से करते हैं जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और गीतों को सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे और गीत इन्जॉय कर सकते हैं। और आपके पास अपने कलीसिया में, चर्च में क्वायर्स होंगी, प्लीज सी दैट इफ यू वुड लाइक टू कम एंड गिव योर सॉन्ग ओवर हियर। हमारे cbnindia.org पर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी चर्च की क्वायर को और वो गाना आप यहाँ पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज हम मुलाकात करेंगे एक बहुत ही फेमस TV एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस से जिन्होंने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना किया। इन्होंने अपने इन इश्यूज को कैसे ओवरकम किया आज ये हमें बता रही हैं। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। छोटे शहरों और गांवों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत कम है, पर जागरूकता की जरूरत हर घर हर गांव में है। इस इलाके में महिलाओं को अपने मानसिक तनाव को पहचानने या उसके लिए मेडिकल हेल्प ढूंढने का रिवाज ही नहीं है। महिलाओं की सही बात बताओ ना, कोई जल्दी से सुनता नहीं है, बात नहीं करते हैं, काम करते करते घर में परेशान हो जाते हैं। जैसे काम वाला धंधा जाते हैं तो वो धंधा भी बहुत कम हो गया, हर बात की परेशानी हो गई, खर्चा ही नहीं चल रहा तो वो डॉक्टर को क्या देंगी, इसलिए खुद मर मर के जी लेती है अंदर। CBN फाउंडेशन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की तैयारी में गांव-गांव में चर्चा शुरू की और सभी को न्योता दिया। CBN फाउंडेशन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बहुत अहमियत देता है। इस क्षेत्र में हमारे साथ जुड़िए और हर बच्चे, महिला और टीनेजर को मौका दीजिए मेंटली स्ट्रांग होने का। www.cbnf.org पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम सपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में आपने जाना, और अगर आप भी इन कामों में इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट पर जाएं और इनके सहभागी बनें। जैसे आज हमारा एपिसोड है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर, और ये प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं डायग्नोस्ड, क्लिनिकल डायग्नोस्ड सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अब हम एक स्टोरी देखेंगे नेहा कौल की, वो काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। जी बिल्कुल, आज हम मिल रहे हैं एक्ट्रेस नेहा कौल से, जिनको आपने डेली लाइफ सीरियल्स में काफ़ी देखा होगा, पर आज हम आपको उनके किसी कैरेक्टर से नहीं
बल्कि खुद उनसे मिलाने जा रहे हैं। जाने की कैसे उन्होंने अपने जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों से लड़ाई की, आइए देखते हैं उनकी ये सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। जब मैं स्कूल में थी, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया एक्टिंग में। फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ के ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की, वहाँ पे थिएटर किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मेन जीसी चैनल्स में काम करना है, टीवी शोज में काम करना है, मूवीज, ये वो एस्पिरेशंस। घर वालों ने भी सपोर्ट किया एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। लेजली से मैं अपने स्कूल में मिल चुकी थी, वो मेरा क्लासमेट है। But after coming to Mumbai, he became very possessive and he was like, possessive in the sense as in protective, I would say. हमारी बातें होने लगी, लंबी होने लगी, और लंबी होने लगी, रात रात बस बात ही करते रहते थे। Anyways, that friendship turned into love. But वही है, फिर धीरे धीरे एंट्री हो ही जाती है ऐसे ऑब्स्टिकल्स की। तो वो था कि फैमिली वॉज नेवर रेडी फॉर मैरिज विच वॉज इंटर रिलीजन। Because I was like, आप एक बार लेजली से मिलो, उसके पेरेंट्स से मिलो, you would see that he is such a nice person and I do not want to miss out on him. It was a very, very hard time for them, for me. They were just not ready to, you know, accept the fact that Leslie could be my husband. मुझे अपनी सिस्टर से पता चला कि मम्मी इज नॉट वेल एंड मुश्किल हो रही है उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको कुछ स्ट्रोक आया था। But then I was like, मैंने कहा आई नो दिस फैक्ट दैट इफ आई वेंट आई You know, they would not let me come back. And I don't know, शायद वो शादी करवा दे मेरी कहीं और। मम्मी से ना मिलने का जो डिप्रेशन था, इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग मोमेंट। बट आई थिंक इट वॉज लेजलीज लव दैट यू नो टोल्ड मी कि अगर गई तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये सोच के चलना। वो कश्मकश थी और वो दुख भी था और वो बहुत, जिसको बोलते हैं ना, दर्द भी था। मैं लेजली के साथ धीरे धीरे करके चर्च जाने लगी। इट वॉज अ वेरी स्लो ट्रांजिशन, इट वॉज नॉट लाइक वन फाइन डे जीसस वॉज एनकाउंटर्ड बाई मी, इट वॉज नॉट लाइक दैट। One fine day, Pastor Rahul Rao, he was giving an excellent sermon about like how God is seeking you. And I was like, I don't know, really? Is he seeking me? And then I went to his wife and I was like, Jacqueline, what is happening? Like, if really God is seeking me, then where is he? Anyways, she started praying. And as I closed my eyes, I immediately saw a visual of that cup being filled with water and then just overflowing. And then I was like, what is this? And I heard God saying that, you know, your heart is too full already. You need to empty it first to actually get filled. You're looking at the faith with too much scrutiny to get filled. And that moment when I opened my eyes, I was crying. I didn't know, and I was crying. I just saw something. I just heard someone like talking to me. Oh my God, I'm joking. So that was my first encounter with Jesus, wherein I felt, first encounter with Jesus or Holy Spirit, whatever you say. But that's when I felt His power. तो मुझे ये लगता था कि वही, मतलब दैट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दैट ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी। आई डू नॉट हैव टू मेक प्लान्स एंड बी एंशियस कि मैं क्या करूँ और कैसे इसमें से निकलूँ। वो डिप्रेशन उस टाइम पर धीरे धीरे करके कम होने लगा व्हेन आई स्टार्टेड रिलाइंग ऑन हिज, यू नो, हिज प्लान। और लेजली के साथ जब रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खतरे पे था, तो वही वर्स था कि यू नो ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। जो हमारे पास्टर हैं मिस्टर राहुल राव, उन्होंने मुझे यही बोला कि नो मैटर व्हाट दे, यू नो, नो मैटर हाउ दे बिहेव विद यू, अगर वो गुस्सा हैं, वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना पूरा एंगर दिखा रहे हैं, बट यू डू नॉट बी एंग्री बिकॉज लव कॉन्कर्स ऑल एंड दैट इज़ द मोस्ट important thing, that you have to love them back no matter what they are doing with you. This is what happened. Slowly I think their hearts melted. We kept on praying, everybody, all the elders in the church and we as a couple, we kept praying with each other
कि दे वुड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एंड दे इवेंचुअली डिड आफ्टर लाइक प्रोबेबली से टू एंड अ हाफ इयर्स दे अग्रीड अपॉन देन स्लोली एंड एवरीथिंग यू नो एवरीथिंग फेल इन अ प्लेस शादी हो गई वो लोग धीरे धीरे मतलब एकदम से शुरुआत में तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लेस्ली को ऑब्वियसली बट नाउ ही इज देयर फेवरेट मुझसे ज़्यादा वो लेस्ली से बात करते हैं तो दे आर क्वाइट हैप्पी नाउ या और आज की डेट में माय बॉन्ड विद गॉड हैज़ बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई नो आई कैन रिलाई ऑन हिम आँख बंद करके आई नो सो दैट इज़ हाउ माई होल लाइफ यू नो काइंड ऑफ took a 360 degree turn और मेरा सब कुछ चेंज होने लगा माई आइडियोलॉजीज स्टार्टेड चेंजिंग एंड चेंजिंग फॉर द गुड वाओ व्हाट अ लवली स्टोरी कितना अच्छा लगा नेहा कॉल से मुलाकात करके एंड थैंक यू नेहा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड ऑल आवर व्यूअर्स हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली और हमने जाना कि कैसे अपने जीवन के डार्केस्ट पीरियड में आपने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की और उन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया दोस्तों आज जैसे हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बना रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी सारा पब्लिकेशन काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन WHO की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और WHO की वेबसाइट जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने दो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है कि जब इंसान जान जाए कि उसके साथ कुछ मानसिक तनाव या मानसिक समस्या है तो उसके जानने के बाद उसके लिए हेल्प ले सके क्योंकि वो दो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए तैयार रहे कि ही कैन और शी कैन कोप अप विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड उसके बाद जब वो उससे उभर आए तो वो कंट्रीब्यूट कर सकें पॉजिटिवली टू द सोसाइटी एंड अगर आप देखें WHO जो बता रहा है वो हम लोगों के लिए हमारे जो जन है प्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बेसिकली यही बता रहा है कि आपको नमक और ज्योति का काम करना है पहली बात कि आप दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको प्रभु के पास लाएं और उसमें ना खुद उलझें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं हर एक प्रॉब्लम से हर एक समस्या का हल प्रभु में पाया जाता है ताकि हम कोप अप कर सकें प्रॉब्लम्स के साथ और साथ ही साथ में सिर्फ कोप अप ही ना कर पाएं बल्कि इस सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तो हम लोग नमक ज्योति का काम करें मगर क्या ये संभव है हाँ संभव है मगर क्या ये रियलिस्टिक है पॉसिबली रियलिस्टिक है मगर हमेशा नहीं रहता है मैंने भी ये एक्सपीरियंस करा है आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा दोस्तों मती 5 में प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम नमक ज्योति का काम करें और जो WHO बोल रहा है वही हमारा काम है कि हमें प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही तो कोप अप करना तो है ही मगर वेरी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी करना सोसाइटी में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी नमक और ज्योति के द्वारा उनकी तरफ पॉइंट आउट भी पॉइंट करना है मगर ये कभी कदार हो नहीं पाता है और हम लोग प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं और वहाँ पर प्रभु का वचन भजन संहिता 50:15 में साफ तरीके से बोलता है अपने प्रॉब्लम्स में अपनी ट्रबल्स में मेरे को पुकार और मैं तुझे वहाँ से निकालूँगा और सिर्फ निकालूँगा ही नहीं मगर इस योग्य बनाऊँगा कि तू मुझे महिमा दे पाए आप इस वचन का मतलब महत्व समझ रहे हैं बहुत गहरा महत्व है कि प्रभु को महिमा देना मेरा और आपका पर्पस है लाइफ का और प्रॉब्लम्स में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग पर्पसलेस हो जाते हैं हम लोग निर्दिशा हो जाते हैं दिशा हमें मिलती नहीं है हम कहाँ जाना है मगर प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे पुकार और मैं तेरे प्रॉब्लम्स हटाकर तुम्हें एक दिशा दूंगा एक पर्पस दूंगा लाइफ का भाइयों और बहनों ये समय होगा कि आज हम प्रभु के पास वापस जाएं और जो प्रॉब्लम्स को हम अपनी तरफ से सुलझाना चाह रहे हैं उसको छोड़कर प्रभु को दें प्रभु सुलझाएंगे और हमें पर्पस देंगे लाइफ का जी बिल्कुल दोस्तों हमें हमारी सारे चैलेंजेस परमेश्वर के पास लेकर आने हैं प्रार्थना में और दोस्तों प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 9910401010 हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके जो चैलेंजेस हैं इनके लिए प्रार्थना करने में और साथ ही दोस्तों आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम लोग प्रार्थना के साथ साथ आपसे बात करना चाहेंगे काउंसिल भी दे सकते हैं तो नंबर याद रखिएगा 9910401010 क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी जी हाँ बच्चे जो बहुत ही कैफ्री जीवन जीते हैं हमारे बच्चे भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर सकते हैं तो इसी के बारे में हम और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस वी विल कम बैक सून पेरेंट्स डू यू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन
कि आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनके स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं, क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रेयर्स वर्क इवन व्हेन वी कांट रीच और टीच आवर चिल्ड्रन। हर महीने के फर्स्ट सैटरडे सुपरबुक इंडिया विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस दिस सैटरडे एट 10 AM ऑन सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक इज गोइंग लाइव फॉर अ प्रेयर टाइम फॉर योर चिल्ड्रन ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज, तो आप ये ज़रूर जुड़िएगा और अपने बच्चों के लिए अपनी रिक्वेस्ट आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए प्रार्थना हो और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चे भी अलग अलग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते हैं एंड इसका एक कारण है बुलिंग, जिसका सामना वो स्कूल में करते हैं, प्लेग्राउंड्स में करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो बुलिंग को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सुपरबुक ऐसा करने में हमारी कैसे मदद करता है। आइए देखें ये खास पेशकश। बुलिंग वास्तव में बच्चों को इस तरह प्रभावित करती है कि जिसका हम कभी कभी अनुमान या कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जब एक बच्चे के साथ स्कूल में बुलिंग की जाती है तो ये उन्हें अवसाद, चिंता, समाज से अलगाव की ओर ढकेल देते हैं और इस पर बहुत सारे अध्ययन और शोध हुए हैं। और आज हम उस मुद्दे पर उन बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके साथ बुलिंग की जाती है और हम ऐसी स्थिति से कैसे बच सकते हैं। आइए हम सुपरबुक वीडियो देखें जहां क्रिस एक बच्चे के लिए खड़ा होता है जिसके साथ स्केटबोर्ड पार्क में बुलिंग की जाती है। आइए हम देखें कि वो आगे क्या करता है। हिम्मत है तो ले लो इसे, डरपोक। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं इसे बचाने आया हूँ, इसका स्केटबोर्ड लौटा दो अभी इसी वक्त। कौन कहता है? ये कहता हूँ मैं। तुम और कौन? मैं। तुम? ओ, और मैं भी। हाँ मैं भी। हाँ हाँ हम भी। और हम भी। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, बच्चा मजाक ही नहीं समझा। मेरी क्या गलती है? मुझे बच्चा मत बोलो। टॉमी, ये सही टाइम नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्केटबोर्ड तो बच्चे चलाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, क्रिस ने सीखा कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको सही के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। माता पिता, आज सबसे पहले मैं आपसे बुलिंग के विषय में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि बुलिंग का एक बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। हो सकता है कि उसके साथ बुलिंग ना की जा रही हो लेकिन उसके आसपास वो सिर्फ देख रहा हो, या हो सकता है कि कभी कभी हमें ये एहसास ना हो कि हमारा बच्चा भी बुली करने वाला हो सकता है। अतः यहाँ तीन तरीके हैं जिनसे आप सिखा सकते हैं कि आपका बच्चा बुली ना हो। सबसे पहले, बुली करने को बहुत ही गंभीरता से ले। अपने बच्चे को समझाएं कि बुलिंग करना सही नहीं है। हमें अपने बच्चों को हमेशा मिलजुल कर रहना सिखाना चाहिए। दूसरी बात, हमें बच्चों को आदर और दया करना सिखाना चाहिए। हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का कहना माने, बड़ों के प्रति असभ्य ना हो, लेकिन हम कथन क्यों नहीं बदलते और बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि सभी का आदर करें, चाहे वो आपसे छोटे हो, बड़े हो या एक ही उम्र के क्यों ना हो। हमें सभी का एक समान आदर करना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही अच्छे आदर्श बने। आप जानते हैं कि बच्चे जैसा देखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं आपका बच्चा उसका अनुसरण करता है। आइए हम अपने बच्चों को वैसे ही करना सिखाएं जैसा हम करते हैं। माता पिता, बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बच्चों को ताकत और चरित्र में मजबूत बनाने के साथ ही मानसिक रूप में भी उनका निर्माण करना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमारे पास बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के निर्माण में मदद करने के लिए कई टूल्स हैं, वो जो
बाद सीखते हैं, आज वो जो हैं उसे बड़ा होने पर आगे लेकर जाते हैं। Wow, that was so good. Good and great learning. Thank you, Debbie, for that. And बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को sensitize कराएं ताकि ना ही कोई उन्हें बुली करे स्कूल में और ना ही वो किसी और को बुली करें। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो पॉइंट उन्होंने निकाला है, कभी कदार पेरेंट्स को खुद पता भी नहीं होता है कि बच्चे किस सिचुएशन के थ्रू जाते हैं। जी एंड आई बिलीव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एड्रेसिंग दिस थिंग इज प्रेयर्स। और अब समय है कि हम पढ़ें आज का पहला मैसेज जो हमें भेजा है रमनदीप ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही है, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसने मुझे धोखा दिया है और अब मैं डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। रमनदीप, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी ये प्रार्थना होगी कि इस समय में आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जान पाएं। दोस्तों, दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। किरण लिखती हैं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैं जिस चीज़ को ज़्यादा प्यार करती हूँ वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये समय होगा कि हम इन दोनों मैसेजेस के साथ साथ और भी जितने मैसेजेस आए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए, मगर हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए आप देते हैं कि हम एक साथ मिलकर आपके सामने गुहार लगा सकें अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर। ख़ास तौर से ये दोनों मैसेजेस जो आए हैं प्रभु जी, इनके बारे में हम आपसे आपके सामने गुहार लगाते हैं कि अकेलापन है, रिजेक्शन है, और जहाँ पर लगता है कि धोखा भी हुआ है या कोई उनको प्यार करने वाला नहीं है। प्रभु जी, आपका वचन साफ तरीके से बताता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सृष्टि से इतना प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। प्रभु जी, साथ ही साथ में जो लोग आपको और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपना उद्धारकर्ता, आप उनको अपने बच्चों का उपाधि देते हैं। यू गिव अस अ स्टेटस ऑफ योर चिल्ड्रन बाय राइट, ये हमारा अधिकार बनता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जितने भी लोग इस समय अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, खासतौर से ये दो मैसेज के भेजने वाले भाई बहने, उनके ऊपर प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो और वो जाने कि वो अकेले नहीं है, कि आपका प्रेम उनको स्पर्श कर रहा है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है। आपके जो भी चैलेंजेस हैं, आप हर चैलेंज को उनके पास लेकर आएं और उनमें आप जय पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में आप जय पाएंगे। और समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, जब हम अपने मन से खुश नहीं होते या हमें कोई चोट लगती है अपने मन में, या हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा समय। लेकिन वचन हमें साफ साफ कह रहा है, इट इज़ गॉड हु आर्म्स मी विद स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, जब प्रभु में होते हैं तो हम हमेशा विजय पाते हैं। आज हमने वचन में देखा कि हम लोग को बुलाया गया है नमक और ज्योति की तरह इस दुनिया में रहने के लिए, मगर बहुत बार हम वो पर्पस से भटक जाते हैं। प्रभु का वचन साफ तरीके से बोलता है कि तुम मुझे अपने संकट के दिन में पुकारोगे, मैं तुम्हें उभारूंगा ही नहीं बल्कि महिमा योग्य बनाऊंगा, तुम्हें अपने पर्पस पे वापस दौड़ा दूंगा। और दोस्तों, अगर आप या आपके प्रियजन काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमसे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर ज़रूर संपर्क करें। अब वक्त हो चला है कि हमारे जाने का समय आया है। इस जगह सेम टाइम पर हम आपको कल मिलेंगे इसी चैनल पर। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।